अगर आप खाना खिलाने के लिए अपने बच्चे को स्क्रीन दे रहे हैं तो आप इस बात को समझ लो कि आप ही अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए, अगर आपके पास अपने बच्चे के साथ बैठकर स्क्रीन देखने का टाइम नहीं है तो सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो ये, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यही इजी वे आउट आगे चलकर कुछ ही समय में आपकी जान की आफत बन जाएगा। डॉक्टर भी ये बात बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे जो खाना खा रहे हैं उसको एंजॉय नहीं करेंगे तो वो आपके बच्चों के शरीर को नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल पेरेंटिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डिजिटल पेरेंटिंग से संबंधित कुछ 2-3 पॉडकास्ट के बारे में बात की थी। उसके बाद कुछ लोगों ने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ सवाल पूछे थे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे। पहला सवाल पूछा है सुमित ने। ये पूछ रहे हैं कि उनकी बेटी 6 साल की है और दिन में 6 साल के बच्चे के लिए कितनी देर का स्क्रीन टाइम होना चाहिए। 6 साल के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम सीमित रखना जरूरी है ताकि उनकी हेल्थ और ग्रोथ पर नेगेटिव असर ना पड़े। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के हिसाब से 2 से 5 साल के बच्चों के लिए रोजाना 1 घंटे तक का स्क्रीन टाइम इनफ है, लेकिन उसमें भी हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके बच्चे 6 साल से बड़े हैं तो उनके लिए स्क्रीन टाइम को 1 से 2 घंटे तक सीमित रखने की सलाह दी जाती है, खासकर एंटरटेनमेंट के लिए। देखिए, अब इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि स्क्रीन टाइम से पढ़ाई, खेलकूद या सोशल एक्टिविटीज में तो दिक्कत नहीं आ रही है। जो टाइम लिमिट मैंने बताई है उसके बावजूद भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके स्क्रीन टाइम कम से कम रखने की कोशिश करें। दूसरा सवाल पूछा है संदीप ने। ये पूछ रहे हैं कि 5 साल का उनका बेटा है और उन्हें स्क्रीन टाइम में अपने बच्चे को क्या दिखाना चाहिए। स्क्रीन टाइम में ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो एजुकेशनल हो, उसमें एंटरटेनमेंट हो और उनकी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाए। वैसे तो किसी भी उम्र के बच्चे क्यों ना हो, वो ऐसा कंटेंट देखे जिसमें वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सीख भी रहे हो। अब अगर मैं मेरे बच्चों की बात करूं तो वो यूट्यूब पर ब्लेज एंड द मॉन्स्टर मशीन्स, लैड एंड निक्की, टॉम एंड जेरी एंड डिज्नी जूनियर, ये कुछ चैनल देखते हैं। अब इनमें क्या होता है कि कुछ छोटे मोटे एडिशन और पजल के सवाल बीच बीच में आते रहते हैं और वो उन सवालों के जवाब बीच में देते रहते हैं, तो जैसे मैं कई बार उनके साथ बैठ के अगर देखता हूं तो। अब आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके बच्चे को किस चीज में मजा आ रहा है, क्योंकि बच्चा अगर एंजॉय नहीं कर रहा है तो वो उस कंटेंट से सीख भी नहीं पाएगा। और ये समझने के लिए कि आपके बच्चे को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ये आप उसके साथ बैठकर जब कुछ स्क्रीन टाइम पर कुछ समय बिताएंगे तभी आप ये समझ पाएंगे। तीसरा सवाल पूछा है विकास ने। ये बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ और मेरे पास बच्चे के साथ बैठकर स्क्रीन देखने का समय नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास अपने बच्चे के साथ बैठकर स्क्रीन देखने का टाइम नहीं है तो सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो ये कि जो कॉन्टेंट आपके बच्चे देख रहे हैं उसके बारे में आप 100% श्योर हैं कि वो उनकी उम्र के हिसाब से सही है। अब इसमें कुछ 2-3 बातों का ध्यान रखा जा सकता है। सबसे पहले तो आप सिर्फ किड्स फ्रेंडली प्लेटफॉर्म चुनें, जैसे यूट्यूब किड्स, जो खास तौर से बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें कंटेंट का फिल्टरिंग सिस्टम भी होता है जिसकी मदद से आप कंटेंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स किड्स, अमेजोन किड्स और डिज्नी प्लस पर बच्चों के लिए खास तौर से क्यूरेट किए गए शो और मूवीज हैं जो सेफ और एजुकेशन को एनकरेज करने वाले होते हैं। दूसरा, पेरेंटल कंट्रोल सेट करें। पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके बच्चे को कौन सा कंटेंट दिखाई दे। इससे बच्चे इनअप्रोप्रिएट या फिर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से बच सकते हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम या डिज्नी में पेरेंटल कंट्रोल सेटिंग्स होती है जहां आप अपने बच्चों की उम्र के हिसाब से कंटेंट को सेट कर सकते हैं। मैं हर पेरेंट को यही सलाह देना चाहूंगा कि किसी भी ऐप या प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले मौजूदा पेरेंटल कंट्रोल्स को सेट कर लें। तीसरा है, स्क्रीन टाइम को ऑटोमेटिक सेट करें। कई स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी में टाइम लिमिट सेट करने का ऑप्शन होता है,
आप स्क्रीन टाइम की सीमा निर्धारित कर सकते हैं ताकि बच्चा उस लिमिट समय से ज्यादा ना देख पाए। इन तकनीकों के जरिए आप अपने बच्चे के स्क्रीन टाइम को सेफ और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। भले ही आपके पास उनके साथ बैठकर स्क्रीन देखने का समय ना हो, लेकिन अगर आप इन सेटिंग्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी आप काफी हद तक सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका बच्चा वही कंटेंट देख रहा है जो आप चाहते हैं। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर मैं अपने बच्चे को कहूं कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर मैं ईमानदारी से अपनी व्यक्तिगत राय की बात करूं तो मैं इस तरीके से बिल्कुल भी सहमत नहीं। मैं इसकी वजह भी बता देता हूं। वो ये कि ऐसे में आपके बच्चे हर बार इस बात को ध्यान में रखकर काम करेंगे कि उन्हें इसके बदले में कुछ मिलेगा। मैं अपने बच्चों के साथ इसको किस तरीके से करता हूं मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। मेरे दोनों बेटों को किंडर जॉय बहुत पसंद है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि अगर वो इतनी देर पढ़ लेंगे या फिर कोई ऐसा काम कर लेंगे तो उन्हें ये चीज मिलेगी। आप बिना किसी वजह के उन्हें वो चीज दीजिए जो उन्हें पसंद है, वो खाने पीने में या फिर वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बहुत से लोग इस बात से सहमत ना भी हो, और मैं उन्हें भी गलत नहीं मानता, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं ऐसा नहीं करता। आखिरी सवाल है प्रीति की तरफ से। ये पूछ रही है कि स्क्रीन देखते देखते बच्चे जो है वो अच्छे से खाना खा लेते हैं, ये कितना सही है? अगर आप खाना खिलाने के लिए अपने बच्चे को स्क्रीन दे रहे हैं तो आप इस बात को समझ लो कि आप ही अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और उससे भी दुखद तो ये है कि ना आपको इस बात का एहसास है और ना ही आपके बच्चे को इसके बारे में पता है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठकर किसी टेबल पर खाना खा रहे हैं तो ये नजारा इतना आम है कि बच्चे के हाथ में फोन है, ये आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। अब कई लोगों को ये लगता है कि ये इजी वे आउट है कि बच्चे खाना खा लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि यही इजी वे आउट आगे चलकर कुछ ही समय में आपकी जान की आफत बन जाएगा। एक बार एक एक्सपर्ट को मैंने ये बोलते हुए सुना था, जिससे मैं काफी हद तक मैं सहमत भी हूं, कि कोई भी जीव जंतु हो उसे भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो खाना ही याद आता है। तो बच्चे को जब भी भूख लगेगी तो वो आपसे खाना मांग लेगा। जो नवजात शिशु है जब उसको भूख लगती है तो वो रोकर बताएगा, और जो बच्चे इतने बड़े हैं कि बोल सकते हैं तो वो आपको बोलकर बता देंगे कि हमें खाना चाहिए। एक्चुअली हमने बच्चों में भूख के एहसास को ही खत्म कर दिया है, क्योंकि उनके मांगने से पहले तो हम खुद 10 ऑप्शन जो है वो उनके सामने रख देते हैं। यहाँ पर मैं एक अपने पर्सनल इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहूंगा। इसके बारे में मैंने अमिताभ के साथ एक वीडियो में बात की है पहले भी। जब मेरे बेटे 3 साल के थे तो एक बार ये दोनों ये बोलकर रोए थे कि आज हम खाना खाएंगे स्क्रीन देखते हुए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बस वही दिन स्क्रीन के लिए रोने का पहला दिन था और वही दिन आखिरी दिन भी था। अगर मैंने उस दिन रोने के बाद स्क्रीन दिखा दी होती तो आज मैं भी शायद कुछ सवालों के जवाब तलाश रहा होता, जिस तरीके से आपके पास बहुत सारे सवाल हैं और आप उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए खाना खाते समय स्क्रीन टाइम इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं किसी भी पेरेंट को ये सलाह नहीं दूंगा कि आप इजी वे आउट ढूंढने की कोशिश करें, आप स्क्रीन दिखाते हुए अपने बच्चे को खाना खिलाएं। डॉक्टर भी ये बात बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे जो खाना खा रहे हैं उसको इंजॉय नहीं करेंगे तो वो आपके बच्चों के शरीर को नहीं लगेगा। अगर बच्चे स्क्रीन देखते हुए खाना खा रहे हैं तो उनका पूरा ध्यान तो स्क्रीन पर है, खाने पर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो खाना सिर्फ उनके पेट में जा रहा है, उससे सिर्फ उनका पेट भर रहा है, वो उसको इंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि उनको स्क्रीन दिखाते हुए खाना खिलाएं। जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बोली है ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और 15 सालों के काम को ध्यान में रखते हुए बोला है। तो ऐसा नहीं है जिन विषयों के ऊपर अभी हमने बात की है उसमें जितने भी सुझाव और जो भी सजेशन मैंने आपको दिए हैं वो सभी पेरेंट्स के लिए यूजफुल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हर घर एक जैसा नहीं होता है, वैसे ही हर घर की चारदीवारी के अंदर जो हालात हैं बच्चों के साथ वो भी एक से नहीं होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास भी डिजिटल पेरेंटिंग से संबंधित कोई भी सवाल है या फिर कोई सुझाव है जो आप हमें बताना चाहते हैं तो
तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।